जी हाँ दोस्तों, इस समय देश में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा कोई है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हर खबर पर करोड़ों फैंस नजर बनाए हुए हैं, जहां इस केस से जुड़ी हर फैंस के बीच में काफी दिलचस्पी देखने को मिली इस बात को लेकर कि आखिर 14 जून 2020 की तारीख को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज ये केस देश दुनिया के लिए काफी खास बन चुका है। और इस केस में इंसाफ की मांग भी करोड़ों फैंस अपनी #justiceforsushantsinghrajput की मुहिम के तहत चला रहे हैं। कुछ खास ही होगा सुशांत सिंह राजपूत के अंदर जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ करोड़ों फैंस जुड़ रहे हैं, जहां देश विदेश से सिर्फ एक ही मदद की गुहार सामने आ रही है कि सुशांत सिंह केस में 14 जून की तारीख को क्या हुआ था वो राज हमारे सामने ला दीजिए। तो उस राज का खुलासा करने के लिए सीबीआई की टीम काफी कड़े फैसले लेते हुए निभा रही है। कड़े फैसले में हमें देखने को मिले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस से लेकर दिशा सालियान केस तक की छानबीन कर रही है, नेपोटिज्म से लेके उन विवादों पर नजर डाल रही है जो सुशांत सिंह केस से जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अब सीबीआई ने जहां अपने पहले चरण में शुरुआती कुछ जांच में बड़े पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई, लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर अब फिर से वो एक बार काफी ज्यादा सचेत हो गई है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि सुशांत सिंह केस में भी कोई ना कोई बड़ा सुराग बाकी है, जिसकी वजह से अब सीबीआई ने एक नया फैसला लिया है जो आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सभी देशवासियों को इस बात की उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इंसाफ जरूर दिलाएगी और बड़े खुलासे के साथ ये साबित कर देगी कि सुशांत सिंह की साजिश किसी ने रची थी और उस दोषी को सजा दिला के रहेगी, जहाँ सीबीआई एजेंसी से सभी को काफी उम्मीदें हैं। तो आप सभी को बता दें, उन्होंने भी कुछ बड़े कदम उठाने के लिए कुछ बड़े फैसले और कुछ बड़े नियम बना लिए हैं अपने लिए भी। जहां पर बॉलीवुड एक्टर सुशांत मामले में पूछताछ का नया चरण शुरू करने के लिए सीबीआई की टीम फिर से मुंबई जाएगी। इसके साथ ही एम्स की फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते सीबीआई को सौंपेगी, जिसमें होगा मिश्रा रिपोर्ट और कई जांच को लेकर बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई इस मामले में 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर काम कर रही है। अब सीबीआई इस मामले में पूछताछ का नया चरण शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसके लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है कि वो एक बार फिर से मुंबई की ओर रवाना होगी, जहाँ पर सुशांत सिंह केस को अपराध को अंजाम दिया गया था। वहीं से एक बार फिर से दोबारा नए चरण की शुरुआत करेगी, कुछ नए पहलुओं, कुछ नए सवालों के साथ साजिश का पर्दाफाश करने के लिए बिल्कुल तैयार है सीबीआई की टीम। इस मामले में सीबीआई फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं देने जा रही है, क्योंकि सीबीआई में फाइनल रिपोर्ट बनने का प्रोसेस इतना गहन है कि उसे पूरा करने में महीनों तक का समय लग जाता है। इसके साथ ही दिशा सालियान केस की भी सीबीआई गहराई से जांच करेगी। सीबीआई इस मामले में दिशा सालियान के निधन मामले को लेकर फिर से जांच खंगोलेगी और जानने की कोशिश करेगी कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था। सुशांत का निधन मामला 14 जून को सामने आया था और आरंभिक जांच में मुंबई पुलिस ने इसे अपनी ही जान लेने का मामला बताया था। बाद में सुशांत के पिता द्वारा इस मामले में बिहार में FIR दर्ज कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने इस मामले में मुंबई जाकर समेत मामले की गहन जांच का दावा किया और उसके बाद सीबीआई की टीम और एम्स ले गई फॉरेंसिक टीम वापस दिल्ली लौट आई। सूत्रों के मुताबिक एम्स की फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते सीबीआई को सौंपने जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई की तरफ से फॉरेंसिक टीम को स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट में उन्हीं बातों का उल्लेख करे जिन्हें कोर्ट में साबित किया जा सके, यानी कि कोई भी ऐसी अवैध जानकारी, कोई भी ऐसी झूठी जानकारी, कोई भी ऐसी जानकारी जो सिर्फ सूत्रों के मुताबिक या फिर सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए हो, उन सभी का इस रिपोर्ट में कोई जगह नहीं होगी। जगह होगी तो सिर्फ और सिर्फ असली सच्चाई की, असली प्लान की, असली साजिशों की। साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि किस प्रकार से कोर्ट में साबित किया जा सके कि इस मामले में सीबीआई ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन जिसे कोर्ट में फटकार का सामना करना पड़े। ऐसे पेचीदे केसों की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि CFSL रिपोर्ट अपनी अनुमान दे सकती है, सबूत नहीं दे सकती। जैसे कि विसरा रिपोर्ट ये बता सकती है कि पेट में जहर था या नहीं, जहर खाया गया या खिलाया गया, इसे साबित नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अच्छे उदाहरण के साथ इस बात को समझाया गया है कि अगर सुशांत सिंह के शरीर में जहर मिलता है या जहर नहीं भी मिलता है, और अगर जहर मिलता है तो इस बात का रिपोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता कि उसको जहर खिलाया गया था या फिर उसने जबरदस्ती खाया था। लेकिन सुशांत सिंह केस में तो जबरदस्ती खिलाने का मामला ही अभी तक सामने आया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सीबीआई के हाथ फिलहाल अभी तक खाली है और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि सुशांत का निधन की जांच ये बात लाए कि सुशांत सिंह का जान लिया गया था।
क्योंकि सीबीआई में जांच करने वाले अधिकारियों का ये भी मानना है कि सीबीआई के हाथ कुछ ठोस सबूत नहीं लगा है। ठोस सबूत पिछले 3 महीनों से जांच जारी है, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं लगा है जिससे बात साबित हो सके कि सुशांत सिंह का जान लिया गया था। भले से ही सीसीटीवी फुटेज या कुछ और बड़े सबूत इस बात की गवाही ना दे सकें जो कि काफ़ी अर्से पहले ही उनको मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई मुख्यालय में इस बाबत विशेष जांच टीम की अब तक की जांच प्रगति रिपोर्ट को लेकर जो बैठक हुई है उसमें भी सीबीआई अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि वे किसी दबाव में काम ना करें और बिना ही पक्षपात किए काम करें, यानी किसी का ना पक्ष ले ना ही किसी का विपक्ष, जो नतीजा आता है उसको पेश करे। साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फिर से मुंबई में पूछताछ का नया दौर शुरू करे। सीबीआई के पुराने अधिकारियों का ये भी मानना है कि फिर से पूछताछ की दौर शुरू करने का मतलब है कि सीबीआई सही दिशा में जा रही है, यानी कि जो सवाल पहले किए गए थे उन सवालों के जवाब फिर से रखे जा सकते हैं। अगर सवालों के जवाब पहले सवालों के जवाब से नहीं मैच खाते हैं तो शक तो जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद जब सीबीआई अपना शिकंजा कसना शुरू करेगी तो एक एक करके नए अपराधी सामने आते हुए दिखाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक अब सीबीआई की नई रणनीति के तहत एक टीम मुंबई में पूछताछ काम करेगी, दूसरी टीम अब तक की जांच के आधार पर रिपोर्ट बनाने का काम शुरू करेगी। सीबीआई में रिपोर्ट बनाने का काम अपने आप में काफ़ी पेचीदा और लंबा माना जाता रहा है इसकी वजह से फाइनल रिपोर्ट में जांच अधिकारियों से लेकर कानूनी अधिकारियों तथा अंत से सीबीआई निदेशक की भूमिका भी रहती है, तो इसलिए सीबीआई की जांच रिपोर्ट काफ़ी अहम रहती है। सूत्रों के मुताबिक दिशा साल्यान के मामले को लेकर सीबीआई एक बार फिर इस मामले के कथित मुख्य आरोपी से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन मामले में अभी तक कोई ठोस तथ्य न आने के कारण पूरे केस की फिर से गहराई से जांच की जाएगी, जिससे बाद में सीबीआई की भूमिका पर सवाल न खड़े हो सके। मामले में जुड़े एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि रिया के एनसीबी द्वारा की गई गिरफ्तारी से सुशांत के निधन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो गिरफ्तारी ड्रग्स एंगल में हुई है और सुशांत सिंह का निधन की जांच सीबीआई कर रही है, उसकी गिरफ्तारी अलग मामले में है। फिलहाल कुल मिलाकर सीबीआई इस मामले में 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर अपनी जांच को फिर से आगे बढ़ाने जा रही है और मामले के आरोपियों से पूछताछ का दूसरा दौर जल्द ही शुरू हो सकता है। आधिकारिक तौर पर सीबीआई ने इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। सुशांत केस में बने मेडिकल बोर्ड की बैठक आज बुलाई गई, बैठक एम्स में हुई। आज ही मेडिकल बोर्ड अपनी फाइनल रिपोर्ट सीबीआई को दे सकती है, जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है। ये भी संभव है कि अगर मेडिकल बोर्ड बैठक करे और अगर फाइनल रिपोर्ट में कोई कमी रह जाए तो वो एक बार फिर मेडिकल बोर्ड की बैठक बुलाएगी, जिससे कि साबित कर सके कि आखिर क्या है सच। बाद में आप सबको बता दें कि सीबीआई को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें होंगे कुछ बड़े खुलासे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट क्या सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर एक बार फिर से सभी की निगाहें रहेंगी सीबीआई की जांच एजेंसी पे कि वो क्या ऐसा काम करती है जिससे सुशांत सिंह केस में न्याय की लेकर लोगों की मुहिम काम आए और एक बार फिर से सुशांत सिंह केस में लोगों को जैसे रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में भी, वैसे ही निधन मामले में भी कुछ गिरफ्तारियां हो, इसी बात साबित हो सके कि सुशांत सिंह केस में आखिर असली सच क्या है। अगर ना ही हो गिरफ्तारी लेकिन सुशांत सिंह के निधन का पीछे का सच पता चल जाए, क्या उन्होंने अपनी जान ली या फिर उनकी जान किसी और ने ली? अगर ये बात भी सुशांत सिंह के फैंस को पता चल जाती है तो दिल पर पत्थर रख के कहीं ना कहीं बात को यकीन में जरूर तब्दील करेंगे। लेकिन सुशांत सिंह के फैंस काफ़ी भावनात्मक, काफ़ी इमोशनल तरीके से इस चीज से जुड़ चुके हैं, तो कुछ भी बात कहना काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द से भरी हो सकती है, फैंस को निराश कर सकती है और इस निराशा का सामना सभी को करना पड़ सकता है। नेक्स्ट 9 लाइव चैनल से दीपक की रिपोर्ट। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से सीबीआई ने अपने कमर की पेटी तो कस ली है कि सुशांत सिंह केस में खुलासा करके ही रहना है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मुंबई की ओर रवाना होगी सीबीआई की टीम, जांच करेगी, दिन रात जांच करेगी। आप सभी के सामने राज लाना चाहती कि आखिर 14 जून के दिन हुआ क्या था, लेकिन इस मुहिम में हम सभी को उन सभी का साथ देना होगा, उन सबका हौसला बढ़ाना होगा जो सुशांत सिंह केस में दिन रात मदद कर रहे हैं, वो जांच एजेंसी के वो अधिकारी जो अपनी जान जोखिम में डालते हुए इस बात को जानते हैं कि सुशांत सिंह केस से जुड़े कुछ बड़े नाम हो सकते हैं, इसके बावजूद भी बिना पक्ष बिना विपक्ष बिना किसी खतरे के केस में निडर होकर जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या सीबीआई का हर फैसला सुशांत सिंह केस की हर गुत्थी को सुलझाने में काफी कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन नेक्स्ट 9 लाइव चैनल पर आपको सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हर मुहिम को फॉलो कर #justiceforsushantsinghrajput कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ देखते रहे हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव।
आपके साथ दीपक की रिपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियोस में, धन्यवाद।